हेलो गाइस वेलकम बैक अस्सलाम वालेकुम मल तबा फिर से हाजिर हूँ आपकी खिदमत में तो दोस्तों आज इस वीडियो में बात करूँगा तवक्कलना से रिलेटिव यानी जो लोग सऊदी अरब में रहते हैं वो तवक्कलना के बारे में तो जानते ही होंगे बहुत सारे सवाल थे तवक्कलना के बारे में तो इस सवाल के जवाब दूंगा तो तवक्कलना इम्यून प्रॉब्लम है ये भी इसके बारे में बताऊँगा तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें सबसे पहले एक रिक्वेस्ट है अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ में आप बेल आइकन को ऑन कर लें ऑल पे कर दें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके सबसे पहला ये सवाल था कि जो लोग सऊदी अरब में दो वैक्सीन कंप्लीट कर लिए हैं वो एग्जिट चले गए हैं क्या उनको आने में क्वारंटीन करना होगा या फिर एग्जिट जा रहे हैं क्या उनके आने में कोई क्वारंटीन करने की समस्या आएगी कि नहीं आएगी तो सबसे पहले मैं बता दूँ आपको इस जवाब का इसका ये जवाब ये है कि आप सबसे पहले क्या करेंगे अपनी सेहती से अपनी वैक्सीन रिपोर्ट को डाउनलोड कर लेंगे और दूसरा यह है कि अपने तो हेल्थ स्टेटस पासपोर्ट को डाउनलोड कर लेना है ताकि आने में कोई प्रॉब्लम ना हो प्रॉब्लम ये है कि आप जब नए वीज़ा पे आएंगे तो आपको ये करना होगा कि मुकीम डॉट एस पे रजिस्ट्रेशन करना होगा अराइवल रजिस्ट्रेशन करना होगा जिसको बोलते हैं या फिर कुदुम रजिस्ट्रेशन करना है अब वहाँ पे आप कुदुम रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको वहाँ पे सेलेक्ट करना होगा तो वहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा वैक्सीनेटेड रेसिडेंट वैक्सीनेटेड विस्टर नॉट वैक्सीनेटेड रेसिडेंट आप अगर वैक्सीन लगवा लिए सऊदी अरब में तो आपको वैक्सीनेटेड विस्टर सेलेक्ट करना है आप नए वीज़ा पे आएंगे तो आपको वहाँ पे विजिटर सेलेक्ट करना अगर है अगर आप नए वीज़ा में अगर आप पुराने वीज़ा पे यानी अकामा होल्डर हैं तो आपको वहाँ पे वैक्सीनेटेड रेजिडेंट सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे आपको ये सेलेक्ट करके आपको सऊदी अरब में आ जाएंगे आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप रिपोर्ट को दिखानी होगी आप जब रिपोर्ट दिखाएँगे तो वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वहाँ पर आपको सबमिट करना होगा आप आने के बाद वो रिपोर्ट यहाँ पे आप दिखाएंगे तो आपको क्वारंटीन की कोई ज़रूरत नहीं होगी और दूसरा सवाल ये था कि जो लोग सऊदी अरब में वैक्सीन लगवा लिए हैं वैक्सीन लगवाने के बाद चले गए हैं और आप एग्जिट वहाँ से आने के बाद नए वीज़ा पे आए हैं तो नए वीज़ा पे आने के बाद जब अकामा बन जाता है तो आप तवक्ला इम्यून कैसे करें तो मैं सबसे पहले ये बता दूँ जो लोग वैक्सीन लगवा लिए हैं सऊदी अरब में वो अगर सऊदी अरब में आते हैं तो आप उन वैक्सीन जो रिपोर्ट डाउनलोड किए हैं तो आपके अकामा के बाद आप वो वैक्सीन रिपोर्ट को आप ई सर्विस पे रजिस्ट्रेशन करें दें यानी अपलोड कर दें सबमिट कर दें ताकि आपको कोई परेशानी ना हो आपका तवक्ल ना इम्यून हो जाए तो मैं बहुत सारे लोगों का ऐसे किया है तो वो पाँच दिन के अंदर में हो गया इम्यून और जो लोगों का जो मसला है जो लोग का नहीं ग्रीन हो रहा है तो उन लोग कस्टमर केयर से संपर्क करें उन लोगों की प्रॉब्लम ये है कि प्रॉब्लम जो लोग सऊदी आते हैं क्वारंटीन करते हैं होटल वगैरह में वहाँ पे जो पीसीआर रिपोर्ट है वो नहीं सबमिट होती है जो कुछ गड़बड़ी हो जाती है वहाँ पे जो लोग सबमिट नहीं करते हैं वहाँ पे होटल में जो लोग क्वारंटीन करते हैं उन लोगों का नॉन इम्यून बताता है उन लोगों को प्रॉब्लम होती है तो वो प्रॉब्लम आपके सामने ख़त्म हो जाएगी अगर आपने सही सही तरीके से आपने किए होंगे तो फाइनली दोस्तों मैंने बताया कि आपको वहाँ पर सेलेक्ट करना होगा वैक्सीनेटेड विजिटर जो लोग नए वीज़ा पे आते हैं और जो लोग अकामा होल्डर हैं यानी सऊदी छुट्टी गए हैं वो आना चाहते हैं तो वहाँ पे वैक्सीनेटेड रेसिडेंट सेलेक्ट करना होगा तो फ़ाइनली आपको पता हो गया होगा और जो लोग तवकलना प्रॉब्लम है ग्रीन नहीं हो रहा है तो वो लोग थोड़ा सा गलती जो किए हैं वो लोग थोड़ा सा अपना कस्टमर केयर से कॉल करें वो समझें क्या मसला क्या मसला नहीं है तो ख़ुद ही डिटेल में बताएंगे मैं बहुत सारे लोगों का किया हो चुका है लेकिन कुछ लोगों का नहीं भी हुआ है यह भी यहाँ पे मैं बता दूँ यहाँ पे कुछ लोगों का नहीं हो रहा है तो हो जाएगा उनका ग्रीन भी लेकिन उनकी परेशानी जो सामने है तो परेशानी आपके सामने नहीं होगी अगर आपने सही सही काम किया होगा तो तो दोस्तों यही थी इन्फॉर्मेशन तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ में याद रखना अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें फिर इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलता हूँ इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ तो इजाज़त चाहता हूँ हाफिज